हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये XHTML CSS का 22 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिव टैग और स्पैन टैग के बारे में जानेंगे। तो यहां मैं हेडिंग चेंज कर देती हूं। डिव एंड स्पैन। सबसे पहले हम स्पैन टैग के बारे में जानेंगे। देखिए, स्पैन टैग क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट के लिए होता है। HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको इनलाइन कोई भी स्टाइल डालना है स्पेसिफिक एलिमेंट का, तो आप स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्पैन टैग लिखने के बाद आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखेगा, मगर इसको हम लोग CSS के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक सबसे पहले तो यहाँ मैं मान लीजिए p टैग डाल देती हूँ और इसे क्लोज कर दे रही हूँ। और मैं लिख देती हूँ दिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है। और इस जो ब्लू है आपका लिखा हुआ, इसमें अगर आप चाहते हैं कि स्टाइल दें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्पैन लिखेंगे। अगर इंडिविजुअल आपको टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप स्पैन का यूज़ कर लें। और यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे और इसके अंदर, इस स्पैन के अंदर हम लोग स्टाइल डालेंगे। स्टाइल इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, कलर मान लीजिए कि ब्लू कर देती हूँ। इसे सेव कर लें और इसे हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए, दिस इज़ ब्लू इन कलर। देखिए, ब्लू जो है आपका ब्लू कलर का हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए कलर इक्वल्स इज टू ब्लू डाली हूँ, इस कारण से ये कलर जो है इसका ब्लू हो गया है। जहाँ पे आपको इंडिविजुअल टेक्स्ट को अगर आपको कोई और कोई भी डिक्लेरेशन डालना है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्पैन टैग का। और आप ये देखिए, ये हमेशा इनलाइन के साथ ही। नेक्स्ट हम डिव टैग के बारे में जानेंगे। तो मैं ये हटा देती हूँ। डिव टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसलिए क्योंकि जितने भी आपका जो टैग होता है उन सबको ग्रुप करने में मदद करता है। अगर बहुत सारा आपका पी टैग है, तो उस सभी पी टैग को हम लोग एक डिव टैग के अंदर डाल देते हैं। और ये भी विजुअल आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा। अगर आप डिव टैग और डिव टैग को बंद करते हैं, उसके बाद आप चेक करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होता। इसका भी यूज़ हम लोग CSS के साथ ही यूज़ करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाती हूँ। डिव टैग के लिए डिव लिखना होगा और यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ हम लिख देते हैं थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और हम क्या करते हैं डिव, तो यहाँ हमने डिव लिखी हूँ और डिव क्लोज कर दी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो यहाँ सेलेक्टर यूज़ कर लेती हूँ, क्या है ये डिव। और यहाँ आप देख सकते हैं कि थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। ये देखिए, आपका जो टैग सिंपली है वो आ चुका है। ये डिव हम लोग ने बन के, अब यहाँ पर हम लोग डिव के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी, तो ये डिव टैग डालने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होता है। एक ब्लॉक लेवल की तरह काम करता है, ग्रुप करने के लिए होता है HTML टैग को। और इसमें हम लोग CSS का अप्लाई करते हैं। तो डिव टैग के अंदर डिव टैग का स्टाइल मान लीजिए करते हैं, कलर मान लीजिए हैश 069 कर देती हूँ। और मान लीजिए कि बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ रेड, ठीक है। सेव कर लें और यहाँ हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए, रेड कलर का बैकग्राउंड आ चुका है और अंदर जो कलर है वो आपका हैश 069 है। देखिए, ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग डिव और स्पैन का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दोनों में यही डिफरेंस है कि जब भी आपको स्पैन का यूज़ करना है, तो हम लोग इनलाइन के साथ यूज़ करेंगे। जब भी आपको ब्लॉक लेवल का यूज़ करना है, तो वहाँ डिव का यूज़ करें। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।